Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. Viewers, distributed database management system series के साथ मैं हूँ मोहम्मद सफदर डोगर. Viewers, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे difference between centralized and distributed database. Viewers, पिछले लेक्चर के अंदर हमने centralized database को डिस्कस किया था, उससे पहले हमने distributed database को डिस्कस किया था. तो viewers, आज हम इनको compare करेंगे कि what is difference between centralized and distributed database. तो viewers, इस डिफरेंस से पहले मैं थोड़ा सा एक दफ़ा फिर आपको सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस की डेफिनेशन एक दफ़ा फिर रिकवर करा देता हूँ, ताकि आपको जो है ना एक दफ़ा पता चल जाए कि सेंट्रलाइज डेटाबेस कौन सी होती है और डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस कौन सी होती है. फिर उसके बाद इसका हम डिफरेंस को डिस्कस करते हैं. तो व्यूअर्स, व्हाट इज सेंट्रलाइज डेटाबेस? इन ए सेंट्रलाइज डेटाबेस देयर इज़ ए सिंगल डेटाबेस फाइल एट वन लोकेशन इन ए नेटवर्क. सेंट्रलाइज डेटाबेस में व्यूअर्स ये होता है कि आपकी जो एक ही सिंगल डेटाबेस फाइल होती है, जिसको हम एक ही लोकेशन के ऊपर किसी नेटवर्क के ऊपर जो है ना वो प्लेस कर देते हैं. मल्टीपल यूज़र कैन एक्सेस दिस सिंगल डेटाबेस, इट इज़ कॉल्ड ए सेंट्रलाइज डेटाबेस. और जब व्यूअर्स मल्टीपल यूज़र इस सिंगल डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हों, तो हम कह सकते हैं कि ये एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है. दिस काइंड ऑफ डेटाबेस प्रोवाइड मल्टीपल एडवांटेजेस. As there is only single database file, it is easier to get complete view of data. अब व्यूअर्स, आपकी डेटाबेस जो है ना वो सिंगल फाइल में होती है, एक ही यानी कि लोकेशन में होती है, तो उसका कंप्लीट व्यू डाटा जो है ना करना आपके लिए काफ़ी आसान होता है. इसी तरह व्यूअर्स, उस डेटाबेस को मैनेज करना, उसके अंदर अपडेशन करना, उसका बैकअप लेना, ये भी एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूट डाटाबेस काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है. जैसे व्यूअर्स देखें, हमारी ये एक सेंट्रलाइज डेटाबेस की एक डायग्राम है. यहाँ पे देखें, हमारी डेटाबेस जो है ना वो सिंगल लोकेशन के ऊपर जो है ना वो इंस्टॉल है. अब बाकी साइट जो है ना, तमाम साइट जो है ना वो नेटवर्क के थ्रू उस डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है. और किसी भी साइट से अगर किसी यूज़र ने, यानी कि किसी यूज़र ने साइट 5 से अगर डेटाबेस को एक्सेस करना है, तो वो किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है. इसी तरह अगर हम डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस की बात करते हैं, ए डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस कंटेन टू ओवर मोर डेटाबेस फाइल लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन इन द नेटवर्क. अगर आपकी व्यूअर्स दो या दो से ज़्यादा डेटाबेस फाइल डिफरेंट लोकेशन के ऊपर किसी नेटवर्क के ऊपर इंस्टॉल हों, तो हम कह सकते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस है. इन अदर वर्ड, द डेटाबेस इज स्प्लिट इन टू फाइल, यानी कि अगर आपकी डेटाबेस जो है ना उसको टुकड़ों में ये स्प्लिट करके मुख्तलिफ फाइल में उसको रखा जाए, द यूज़र कैन एक्सेस द नियरेस्ट डेटाबेस फाइल, और यूज़र जो है ना उसमें से नियरेस्ट डेटाबेस फाइल को जो है ना वो एक्सेस कर रहा हो, दिस विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिट्रीविंग डाटा. तो इससे क्या होता है कि डाटा को रिट्राइव करने की स्पीड जो है ना वो आपकी इंक्रीज हो जाती है. मोर एवर, डिफरेंट यूज़र कैन एक्सेस एंड मल्टीपल डाटा रेलिवेंट टू दैम, दिस अवॉइड यूज़र फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद ईच अदर. इससे क्या होता है, कोई भी यूज़र दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता. एंड अदर एडवांटेजेस इज दैट इफ वन डेटाबेस फेल, देयर आर अदर डेटाबेस फाइल, यानी कि अगर आपकी एक डेटाबेस फाइल जो है ना किसी वजह से फेल हो जाती है, तो बाकी तमाम डेटाबेस के अंदर वो डाटा जो है ना उसको इजीली अवेलेबल होता है, या उसके नियरेस्ट डेटाबेस जो है ना वहाँ से उसको डाटा जो है ना वो मिल रहा होता है. द सिस्टम स्टिल रन एंड द यूज़र कैन एक्सेस दैम. तो इससे क्या होता है कि आपका सिस्टम फेल नहीं होता, सिस्टम रन कर रहा होता है और यूज़र अपनी जो है ना वो डाटा एक्सेस कर रहा होता है. अगर हम डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस एनवायरनमेंट की डायग्राम देखें, तो व्यूअर्स देखें, हमारी डेटाबेस जो है ना मुख्तलिफ साइट के ऊपर इंस्टॉल है. अब किसी वजह से व्यूअर्स साइट 5 से में से अगर डेटाबेस जो है ना वो क्रैश कर जाती है, तो यहाँ के तमाम यूज़र को थ्रू नेटवर्क उसकी नियरेस्ट डेटाबेस की तरफ जो है ना डिवर्ट कर दिया जाता है. उससे क्या होता है कि आपका सिस्टम जो है ना रनिंग में रहता है, सिस्टम आपका क्रैश नहीं करता. और दूसरी बात ये होता है कि यूज़र को अपने नियरेस्ट डेटाबेस से जो है ना वो डाटा मिल रहा होता है, उससे क्या होता है उसके नेटवर्क के जो एक्सपेंसेस है ना वो भी कम हो जाते हैं और उसकी स्पीड जो है ना वो भी इफेक्टिव रहती है. अगर व्यूअर्स हम उसके डिसएडवांटेज की बात की जाए, ए टाइप ऑफ डेटाबेस दैट कंटेन ए सिंगल डेटाबेस लोकेटेड एट वन लोकेशन इन द नेटवर्क. अगर आपकी सिंगल डेटाबेस एक वन लोकेशन के ऊपर लोकेट कर रही हो किसी नेटवर्क के ऊपर, तो हम उसे कहते हैं सेंट्रलाइज डेटाबेस. ए टाइप ऑफ डेटाबेस दैट कंटेन टू और मोर डेटाबेस फाइल लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशन इन द नेटवर्क. अगर आपकी फाइल दो या दो से ज़्यादा फाइल के डेटाबेस वो लोकेट कर रही हो डिफरेंट लोकेशन में और किसी एक नेटवर्क के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है. सेंट्रलाइज डेटाबेस के अंदर व्यूअर्स ये होता है, मैनेजिंग, अपडेटिंग एंड टेकिंग इन बैकअप ऑफ द डाटा इज ईजियर
बिकॉज देयर इज़ ओनली वन डेटाबेस फाइल। तो जब आपके पास व्यूअर्स आपके पास एक ही फाइल है तो उसको मेंटेन करना, उसको अपडेट करना, उसका बैकअप लेना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि आपकी डेटाबेस की फाइल एक ही जगह पर लोकेट कर दी जाती है। एज देयर आर मल्टीपल डेटाबेस फाइल इन द डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस इट रिक्वायर टाइम टू सिंक्रोनाइज डाटा। तो इससे आपको टाइम चाहिए होता है मुख्तलिफ साइट से आपको बैकअप लेना, मेंटेन करना, उसको मैनेज करना। उसके बाद सेंट्रलाइज डेटाबेस में व्यूअर्स ये होता है रिक्वायर्ड टाइम फॉर एक्सेसिंग डाटा बिकॉज मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस द डेटाबेस फाइल। तो हो सकता है कि जब व्यूअर्स आपकी डेटाबेस सेंट्रलाइज हो और काफ़ी सारे यूज़र एट अ टाइम उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हों तो वहाँ पर आपको टाइम रिक्वायर होता है, जबकि व्यूअर्स डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस में ऐसा नहीं होता। स्पीड इज़ एक्सेसिंग द डाटा इज़ हायर बिकॉज द डाटा रिट्राइव्ड फ्रॉम द नियरेस्ट डेटाबेस, क्योंकि जो डेटाबेस जो उसकी करीबी तरीन जो डेटाबेस होती है, जो उसके क्लोज तरीन डेटाबेस होती है, वहाँ से डाटा उसको रिट्रीव होता है, तो इससे उसकी स्पीड जो है ना वो अप हो जाती है। इफ़ द डेटाबेस फेल द यूज़र डू नॉट हैव एक्सेस द डेटाबेस, अगर आपकी डेटाबेस किसी वजह से फेल हो जाती है तो यूज़र को जो रिकॉर्ड जो है ना वो कुछ भी नहीं मिलेगा। इफ़ वन डेटाबेस फेल द यूज़र कैन स्टिल एक्सेस अदर डेटाबेस, अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस में कोई डेटाबेस फेल कर जाती है तो सिस्टम आपका चल रहा होता है तो यूज़र किसी और डेटाबेस से फाइल जो है ना उसको एक्सेस कर लेता है। हैज़ मोर डाटा कंसिस्टेंसी एंड इट प्रोवाइड द कंप्लीट व्यू ऑफ यूज़र, इससे क्या होता है डाटा की कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है और उसका कंप्लीट व्यू जो है ना करना आसान होता है। कैन हैव डाटा रेप्लिकेशन एंड देयर कैन बी सम डाटा इनकंसिस्टेंसी। रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है व्यूअर्स, इसके बारे में हम डिटेल से आगे भी पढ़ेंगे। अगर आप व्यूअर्स आप यानी कि एक पूरी डेटाबेस को मुख्तलिफ यानी कि जगह पे, यानी कि एक डेटाबेस की कॉपी आप मुल्तान में रख दें, एक कराची रख दें, एक जो है ना आप लाहौर क्वेटा पिंडी इस तरह रख दें, तो उससे क्या होता है कि डाटा रेप्लिकेशन हो रहा होता है, यानी कि एक जगह पे डाटा अगर अपडेट होगा तो वो तमाम डेटाबेस के अंदर वो डाटा अपडेट हो जाएगा। इस तरह डाटा अगर एक जगह पर इंसर्ट होगा तो तमाम डेटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट हो जाएगा, तो इससे क्या हो सकता है इनकन्सिस्टेंसी आने के चांसेस होते हैं। तो ये तो थे व्यूअर्स कुछ डिफरेंस सेंट्रलाइज डेटाबेस में और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर व्यूअर्स आपके यूज़र बहुत ज़्यादा हैं और आपका जो है ना बिज़नेस जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो मल्टीपल लोकेशन के ऊपर प्रोसेस कर रही है तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस इज़ मच मैटर दैन सेंट्रलाइज। बट अगर आपकी डाटा व्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके यूज़र बहुत ज़्यादा कम है और उसका जो है ना समझ लें बिज़नेस अभी यानी कि थोड़ी लोकेशन के ऊपर है, मल्टीपल लोकेशन के ऊपर नहीं है, तो वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जो है ना वो मच बेटर देन है। लेकिन व्यूअर्स आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज़ या जो समझ लें कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है ना वो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की बजाय डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा फोकियत देती हैं और उसको ज़्यादा प्रेफर देती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके लाइक।